नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बिंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जैविक खेती में अपना अपना योगदान जरूर दे रहे हैं। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ, बिंग ऑर्गेनिक एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको जैविक खेती, वर्मी कम्पोस्ट और बागवानी से जुड़ी हर संभव जानकारी दी जाती है। दोस्तों, आज का टॉपिक है एक और जैविक कीटनाशक लेकर मैं आपके साथ में आई हूँ, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती में रामबाण का काम करता है। जी हाँ, इसका नाम है दशपर्णी अर्क। मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत से किसान जो जैविक खेती कर रहे हैं वो इसके महत्व से अच्छी खासी तरीके से वाकिफ होंगे, बट जो इसके बारे में नहीं जानते हैं आज का वीडियो वो लोग डिटेल में देखिए, पूरा देखिए, कहीं से स्किप मत कीजिए। इसे कैसे बनाया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, ये कितना कारगर है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ गए हैं, दशपर्णी अर्क मतलब कि 10 पत्तों से मिला हुआ अर्क। ये एक ऐसा अर्क है जिसके अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका स्प्रे शेड्यूल फॉलो करते हैं तो आप अच्छी खासी बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े वायरस से भी अपनी फसल को आसानी से बचा सकते हैं। और अगर प्रिवेंटिव मेथड के तौर पर, जिसे हम कहते हैं कि पहले से प्रिकॉशनली अगर आप इसका स्प्रे शेड्यूल फॉलो करते आ रहे हैं, तो मैं गारंटी देती हूँ आपकी फसल में किसी भी तरीके का कोई कीट नहीं लगेगा। तो दोस्तों, क्या है दशपर्णी अर्क और इसे कैसे बनाया जाता है? ये एक जैविक कीटनाशक है जो बहुत ही आसानी से मिलने वाली चीज़ों से किसान भाई घर में आराम से बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें लगने वाली सामग्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले लगना है आपको 200 लीटर पानी, उसका ड्रम, 10 लीटर गौमूत्र, दो किलो आपको ताज़ा गाय का गोबर लगेगा। अगर पॉसिबल हो तो देसी गाय का ही गोबर लीजिए, वो बेस्ट होता है। अगर वो नहीं मिलता है तो आप दूसरी नॉर्मली गाय का भी गोबर ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद में लगेगी आपको आधा किलो हल्दी, हल्दी पाउडर जो नॉर्मली आप अपने किचन में यूज़ करते हैं वही हल्दी पाउडर यूज़ कर लीजिए, कोई अलग से इसके लिए हल्दी पाउडर नहीं आता है, आधा किलो हल्दी पाउडर। इसके अलावा आधा 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 किलो आपको अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची लेनी है और इनका पेस्ट बना लेना है, इनकी अच्छी फाइन सी चटनी बना लेनी है, बारीक सी चटनी बना लेनी है। आधा किलो हल्दी, आधा किलो लहसुन, आधा किलो हरी मिर्च और आधा किलो अदरक, इन तीनों का पेस्ट आपको बना लेना है। और इसके अलावा आपको लगना है 10 ग्राम हींग। ये सामग्री हमारे पत्तों के अलावा जो आपको सामग्री लगने वाली है वो है, एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। आपको लगना है 200 लीटर पानी, 10 लीटर गौमूत्र, 2 लीटर ताज़ा गाय का गोबर, देसी गाय का हो तो बहुत ही बढ़िया है, आधा किलो हल्दी, आधा आधा किलो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और 10 ग्राम हींग। अब इसके अलावा आपको लगने हैं दोस्तों 10 प्रकार के पत्ते। पत्ते आपको वो लेने हैं जिसे कोई भी गाय नहीं खाती है, कोई भी जानवर नहीं खाता है। मैं आपको यहाँ पर लिस्ट बता देती हूँ कि आप कौन कौन से पत्ते यूज़ कर सकते हैं, बट इसके अलावा अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको 10 पत्ते लेने हैं जिन्हें गाय या दूसरे जानवर नहीं खाते हैं। तो आप इनमें ले सकते हैं नीम, सीताफल, जामुन, उसके अलावा गाजर घास, लेमन ग्रास, आंकड़े का पत्ता, अरंडी का पत्ता, गेंदे का जो पत्ता होता है वो, जो भी पत्ते आपके आसपास मिलते हैं, आपकी मेड़ के आसपास मिलते हैं, आप उन्हें यूज़ कर लीजिए। अनार के पत्ते यूज़ कर सकते हैं आप, महुआ के पत्ते यूज़ कर सकते हैं, और अगर मैं बात करूँ तो करौंदे के पत्ते यूज़ कर सकते हैं। जितने फलदार वृक्ष हैं जिन्हें जिनके पत्ते गाय ना खाए उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो एनी काइंड ऑफ लीव्स, कोई भी 10 प्रकार के पत्ते आपको ले लेने हैं, दो दो किलो आपको ये पत्ते लेने हैं। अब दोस्तों, इसे बनाया कैसे जाए? तो सबसे पहले, बहुत आसान विधि है इसकी, सबसे पहले जो आपका ड्रम है आप उसे आधा पानी से भर लीजिए, जो आपका 200 लीटर का ड्रम है उसे आप आधा पानी से भर लीजिए। उसके बाद इसमें गौमूत्र डाल दीजिए, फिर जो गोबर आपने लिया है उस गोबर को अच्छे से पानी में एक बकेट में घोल लीजिए और उसे भी इसमें मिक्स कर दीजिए। जो अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है आप उसे भी इसमें डाल दीजिए, हींग को इसमें डाल दीजिए। कुल मिला के जो सारी चीज़ें हैं वो आपको इस पानी में डाल देनी है। उसके अलावा जो पत्ते हैं वो पत्ते भी आप इसमें डालते जाइए, धीरे धीरे लकड़ी के डंडे की सहायता से आप उस
से दबाते जाइए, सारे पत्ते अच्छे से पानी में डूब जाने चाहिए। इस तरीके से हमें सारे 10 के 10 पत्ते उसमें डाल देने हैं। उसके बाद में जो बचा हुआ स्पेस है, बची हुई जगह है, उसे भी आप पानी से फिल कर दीजिए। दैट्स इट। इतना सिंपल सा इसका मेथड है, लेकिन ये बहुत ही कारगर चीज़ है, बहुत ही शानदार जैविक कीटनाशक है। हर तरीके के कीट पर ये काम करता है। तो इतनी साधारण सी इसकी बनाने की विधि हो गई है दोस्तों। 40 दिन में ये बनकर तैयार हो जाता है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि सुबह शाम इसे आप लकड़ी के डंडे की सहायता से घड़ी की सुई की दिशा में हिलाते रहिए और ये 40 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। इसे बनाने का शेड्यूल आप ऐसा रखिएगा कि हमेशा ये आपके खेत पर, आपके फार्म पर अवेलेबल हो, क्योंकि जैसे बीमारी आई तुरंत फुरंत में ये नहीं बन पाता है, इसलिए आप हमेशा इसे बना कर रखिए। इसकी स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ, इसे आप कितने टाइम तक रख सकते हैं, तो आप इसे 6 महीने तक बिना किसी समस्या के बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। खराब ये बाद में भी नहीं होता है, पर इसकी जो जो कैपेसिटी होती है, जो काम करने की इसकी शक्ति होती है, वो कम हो जाती है। इसलिए 6 महीने का आप एक बार में बनाकर रख लीजिए। जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि फसल पर कोई कीट आ रहा है, वैसे तो आप प्रिवेंटिव तौर पर इसे यूज़ कीजिए। हफ्ते में एक बार हर फसल पर स्प्रे कीजिए, और अगर कोई आ भी जाती है परेशानी, तो फिर आप इसको रेगुलर स्प्रे करते रहिए। जो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं वो जानते हैं कि ये कितना मैजिकल जैविक कीटनाशक है। दोस्तों अब अगर बात करें इसे उपयोग कैसे करना है, तो जो आपका 200 लीटर का ड्रम होता है, आप उसमें 5 से 7 लीटर इसे मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे के तौर पर स्प्रे कर दीजिए, पूरी फसल को अच्छे से नहला दीजिए। 200 लीटर पानी में 5 से 7 लीटर आप इसे मिक्स कीजिए और स्प्रे कीजिए। ये मैंने 1 एकड़ के लिए बताया है। 1 एकड़ के लिए इतना पर्याप्त होता है। आराम से आप पूरी आपकी 1 एकड़ में जितनी फसल है उस पर इसको प्रॉपर तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। और अगर मैं 25 लीटर के पंप की बात करूँ, तो उसमें आप 600 ml तक इसे मिक्स कर दीजिए, इतना सफिशियंट होता है। तो दोस्तों ये बात हुई है दशपर्णी अर्क की, जो कि एक बहुत बहुत अच्छा जैविक कीटनाशक है। हमारे पूर्वज इन सब चीज़ों के ही इस्तेमाल से खेती करते आए हैं। ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स और रासायनिक जो कीटनाशक आप लोग यूज़ कर रहे हैं ना, ये कुछ ही साल हुए हैं इन्हें आए हुए, और हम उनके इतने आदि हो गए हैं। एक बार आप पलट कर देखिए, यदि आप फिर से कोशिश करें, फिर से पलट कर देखेंगे, तो आप देखेंगे प्रकृति ने भरपूर चीज़ें दी हैं हमें, जिनके उपयोग से हम भारी से भारी कीट को भी आसानी से अपनी फसल से दूर कर सकते हैं। बस जैविक खेती में आपको अगर ध्यान रखना है, तो आपको प्रिकॉशनली सारी चीज़ें लेके चलनी है। इसके अलावा जैविक खेती में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे करना थोड़ा सा मुश्किल हो। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। दशपर्णी अर्क को लेकर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों, इसे कैसे बनाना है, कैसे इसे उपयोग करना है। हर तरीके की फसल पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इससे नुकसान हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप आने वाली फसल के लिए अभी से दशपर्णी अर्क बना कर रखेंगे और उसे उपयोग ज़रूर करेंगे प्रिकॉशनली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें शेयर होंगी, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। और यदि आप जैविक खेती पहले से कर रहे हैं, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, कमेंट बॉक्स में बताइए। लोग आपसे प्रोत्साहित होंगे, आपको देखकर उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा कि जैविक खेती करना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।